अरे मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मेरा साष्टांग नमस्कार। गाइस, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक बहुत ही शानदार गेम जिसका नाम है कार मैकेनिक सिमुलेटर 2021। प्रोफाइल बनाता हूँ मैं अपनी, मेरा नाम है आकाश और गाइस मैं इसको बनाता हूँ इसका अकाउंट। तो गाइस मेरे को नॉर्मल ही स्टार्ट करनी है, तो गाइस एक फटाफट से ले लेते हैं एक ट्यूटोरियल गेम का। तो गाइस मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गेम को गाइस ये इंस्टॉल करने में, मतलब मैंने जल्दी से जल्दी इंस्टॉल करके गाइस आपको दिखाने का एक था, मैं आपको जल्दी से दिखाऊं। तो गाइस ये है कार सिमुलेटर का कुछ अंदर का ऐसा कुछ इंटीरियर। तो गाइस इसमें अभी ये हमारे को ट्यूटोरियल करना है जिसमें अब ये कह रहा है अप्रोच टू द फ़ोन। तो गाइस देखते हैं कि फ़ोन कहाँ पर है। तो ये गाइस हम जल्दी से गए फ़ोन की तरफ और हमने एंटर दबाया। गाइस अब इसके अंदर ये बता रहा है वेलकम टू रिपेयर विद पार्ट्स ऑफ मिनिमम कंडीशन। तो गाइस देखते हैं कि गाइस क्या होता है इस ट्यूटोरियल में। तो गाइस अब इसमें सेकंड पार्ट है टेक ऑफ द फ्रंट फेंडर। अरे यार ये तो क्या हालत हो रही है इसकी। तो गाइस ये देखिए पूरी गाड़ी है ये इस तरीके से। गाइस ये पूरी लेटेस्ट गेम है कार मैकेनिक का गाइस, और इसमें गाड़ियों को जो है वो रिपेयर करा जाता है। तो गाइस जैसे कि आप ग्राफिक्स देख रहे हैं गेम के, गाइस ग्राफिक्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है गाइस। तो गाइस ये हमने गाइस इसका फेंडर निकाल दिया है, तो आइटम ऐड हो चुकी है। अब कहाँ जाना है भाइयों, माउंट न्यू फेंडर। तो गाइस अब माउंट करते हैं न्यू फेंडर को। तो गाइस लगाते हैं नया फेंडर। तो गाइस ये हमने जल्दी से लगा दिया नया फेंडर, और गाइस ये गाड़ी हो गया नया पूरा गाइस, और इसके रिम बहुत ही ख़राब और गंदे हो रखे हैं। अब गाइस ये हमारे को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि गाड़ी का हुड खोलिए। गाइस ये हमने गाड़ी का खोल दिया है बॉनट, क्लिक ऑन द कूलेंट रिजर्वायर। तो गाइस ये हम अब जाते हैं कूलेंट के पास। तो गाइस ये हमने कूलेंट खोला, ओपन पाई मेन्यू, पिक ड्रिल टूल, होल्ड। तो गाइस ये हम गए एडिशनल टूल्स पे और हमने हमारे को पिक करना है पिक ड्रेन टूल, ड्रेन टूल। तो गाइस ये हो गया ड्रेन टूल, और गाइस हमने ये बटन दबाया और गाइस ये हमने निकाल दिया है सारा। ये क्या इंजेक्शन में निकाल दिया सारा ये कूलेंट, टेक ऑफ द रिजर्वर कैप। तो गाइस अब ये निकालते हैं रिजर्वर कैप। गाइस ये हमने इसका पार्ट अनमाउंट कर दिया, और गाइस ये है हम डाल रहे हैं नया नया कूलेंट। ये क्या लिखा हुआ है इसमें, बुल बुल एट्रॉनिक्स। तो गाइस ये हम इसके अंदर कूलेंट डाल रहे हैं, बुल बुल एट्रॉनिक्स का कूलेंट डाल रहे हैं गाइस इसके अंदर, एड फ्लूइड। तो गाइस ये हमने डाल दिया इसके अंदर कूलेंट, हरा हरा बिल्कुल गाइस, फटाफट ग्रीन ग्रीन वाला गाइस। ये मतलब गाड़ी की गाइस मतलब एक तरीके से ये गाड़ी को कूल करता है। तो गाइज ये थोड़ा सा ओवरफ्लो हो गया, और गाइज अब यूज़ अपर बटन टू लिफ्ट कार। गाइज अब हम गाड़ी को उठाएंगे गाइज, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग गेम लग रही है गाइज, बहुत मज़ा आ रहा है गाइज ये गेम खेलने में। गाइज ये गाड़ी ऊपर चली गई है, अप्रोच ऑल ट्रेन। तो गाइज अब हम करेंगे इसका ऑल ट्रेन जो कि काला निकलेगा गाइज, जैसे कि मुझे लगता है। और गाइज ये है ऑल ड्रेन करने का टूल, मूव इक्विपमेंट। तो गाइज ये ऑप्शन आ गया गाइज नीचे लगाने के लिए। अब गाइज इससे हम करेंगे ऑल ड्रेन, ये गाइज हमने करा इसको यूज। और गाइज जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर निकला गंदा काला तेल, पुट ऑल ड्रेन टू इट्स प्लेस। तो गाइज अब इसको हम वापस अपनी जगह पर रख देंगे, मूव इक्विपमेंट, पुट द इक्विपमेंट बैक टू इट्स प्लेस। तो गाइज ये हमने ये इक्विपमेंट वापस अपनी जगह पे रख दिया है। अब गाइज जाना है सस्पेंशन की तरफ। तो गाइज देख रहे हैं आप नीचे से बड़ी गंदी हालत हो रही है, काश में इस गाड़ी को वॉश कर पाता गाइज, अभी
ऐसा मेरे को लग नहीं रहा है। अगर कोई टूल होता है इसको वॉश करने का तो मैं ज़रूर करता। तो गाइज़ अब ये हम इसको ऑयल फिल्टर जो है गाइज़ देख रहे हैं 1%, मतलब गाइज़ बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ख़राब हो चुका है, डैमेज हो चुका है ऑयल फिल्टर। अब गाइज अब हम खोलेंगे वो अपना मेन्यू, इसके अंदर हम कहेंगे माउंट न्यू फिल्टर। तो गाइज अब हम जाएंगे शॉपिंग लिस्ट ऊपर में, पार्ट माउंट में जाएंगे, पाए मेन्यू, पार्ट माउंट। तो गाइज पार्ट माउंट में गए, तो गाइज ये हमने ऑयल फिल्टर यहाँ पे नया लगाने के लिए गाइज ये हमने लगा दिया नया ऑयल फिल्टर। अब गाइज यूज़, अब ऑप्शन आए यूज़ लोअर बटन टू लोअर द कार। तो गाइज हम जल्दी से इसको अब नीचे कर देते हैं। ये गाइज हमने गाड़ी को कर दिया है नीचे। गाइज अब हमने इसके अंदर जो जॉब था वो कर दिया है, क्लिक ऑन द इंजन। गाइज अब ऑप्शन आ रहा है क्लिक ऑन द इंजन। तो गाइज अब जाते हैं इंजन पे, क्लिक ऑन द इंजन। तो गाइज ये अब हम इंजन पे गए, टेक ऑफ द ऑयल फिल प्लग। तो गाइज अब हम ऑयल फिल प्लग को है वो निकाल दिया है गाइज। अब हमने, आपने जैसे कि देखा था कि हमने इसमें से वो गंदा काला तेल निकाला था नीचे से, अब हम गाइज इसके अंदर ये जो है गाइज नया इसके अंदर इंजन ऑयल डाल रहे हैं गाइज। तो गाइज ये बहुत ही प्यारी आवाज़ आ रही है घुट घुट की गाइज। और गाइज लगता है और डालना है इसके अंदर अभी। तो गाइज हमने इसके अंदर जो है वो इंजन ऑयल भी डाल दिया गाइज। अब हमारे को ऑप्शन आ रहा है टायर चेंज का। तो गाइज अब हम इसका करते हैं टायर चेंज। तो गाइज फटाफट से जैसे टायर ओपन करने के लिए हमारे को स्क्रूज खोलने होते हैं गाइज, ये 5 स्क्रू खोलने होंगे गाइज हमारे को। तो घट घट करके गाइज हमने मशीन से ये इसका निकाल दिया है व्हील। अब गाइज अप्रोच टू टायर चेंजर गाइज ये हम जाते हैं यहाँ पे टायर चेंजर पे। तो गाइज ये टायर चेंज करने में काम में आएगा गाइज, सेपरेट पार्ट। गाइज अब हम टायर को अलॉय व्हील से सेपरेट करेंगे। तो गाइज ये आप जैसे कि देख रहे हैं गाइज, आप कभी भी कहीं पे भी किसी टायर वाले की दुकान पे जाएंगे तो गाइज ठीक ऐसे ही होगा, आप ये देखेंगे सेम ऐसी ही मशीन्स होती हैं गाइज। तो गाइज अब हमने ये जो है टेक पार्ट्स फ्रॉम द टायर चेंजर, अब गाइज हमने वो टायर निकाल दिया है और गाइज हमारी इन्वेंट्री में ऐड हो गया है। अब गाइज पिक, अब इसमें ऑप्शन आ रहा है पिक इंस्टॉल ऑप्शन फ्रॉम पाई मेन्यू, सेलेक्ट रैम एंड टायर यू वॉन्ट टू ज्वाइन इन टू अ व्हील। तो गाइज अब हम जाएंगे यहाँ पे पिक वाली ऑप्शन पे, पिक इंस्टॉल, पिक इंस्टॉल फ्रॉम पाई मेन्यू। तो गाइज हम वापस इस पे जाएंगे, इंस्टॉलेशन पे जाएंगे गाइज। और गाइज ये आ गया नया टायर, और गाइज अब हमने इसमें नया टायर इंस्टॉल कर दिया है। और जैसे कि आप देख रहे हैं गाइज इसमें टायर इंस्टॉल हो गया है। अलॉय व्हील्स बहुत ही गंदा है यार, मेरा मन कर रहा है मैं इसको साफ़ कर दूं, बट आई गैस इसमें कोई ऐसा ऑप्शन आ नहीं रहा है। तो गाइज हमने ये व्हील को ले लिया है, और गाइज अब हम फटाफट से जो, गाइज अब हम जाएंगे अप्रोच व्हील बैलेंसर। गाइज अब हम व्हील बैलेंस करने जाएंगे, तो देखते हैं गाइज वो मशीन यहाँ पे है, इसी के साथ में गाइज ये मशीन थी। गाइज अब आप जैसे किसी टायर वाले की दुकान पे जाएंगे, ठीक, आपको गाइस व्हील बैलेंसिंग इसलिए ज़रूरी होती है कि अगर कि आपकी गाड़ी स्पीड पे है तो स्टेयरिंग जो है वो वाइब्रेट ना करे, तो व्हील बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइस। तो अब हमने गाइस ये व्हील बैलेंस कर दिया गाइस, वो एडजस्ट मार्कर इनटू ग्रीन एरिया टू बैलेंस द व्हील। तो गाइस ये अब हमने जहाँ जहाँ पे वो बता रहे हैं हम वहाँ वहाँ पे वेट लगा रहे हैं ताकि गाड़ी कभी शेक ना करे। तो वेट लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। तो अब हम ये टायर पूरा कंप्लीट हो गया, अब हम इसके अंदर जल्दी से लगा देंगे टायर। पार्ट अनमाउंट मोड, ओपन पाई मेन्यू, पार्ट अनमाउंट मोड, पार्ट माउंट। तो ये हमने जल्दी से लगा दिया पार्ट इसके अंदर। तो जैसे कि आप देख रहे पा रहे होंगे मैंने फटाफट से इसके अंदर पार्ट इंस्टॉल कर दिया है।
अब हमारे को इसका भी जो टेक ऑफ द व्हील, अब ये हमारे को व्हील बोलने के लिए निकाल रहा है, तो हमने जल्दी से ये व्हील निकाल दिया है और अब ये हमारे को सस्पेंशन को निकालने के लिए कह रहा है। ये हमने फटाफट से स्क्रू निकाले और ये हमारे उसमें ऐड हो गया है, टेक ऑफ शॉक एब्जॉर्बर। तो अब हमारे को शॉक एब्जॉर्बर भी निकालना होगा। ये हमने इसको फटाफट से अनस्क्रू करा। अब इसके अंदर पिक सेपरेट ऑप्शन फ्रॉम पिक सेपरेट ऑप्शन अप्रोच स्प्रिंग पुलर, तो हम जल्दी से जाएंगे अप्रोच स्प्रिंग पुलर के पास में। अप्रोच स्प्रिंग पुलर, अच्छा, स्प्रिंग पुलर, ओके। स्प्रिंग पुलर के लिए हमारे को यहाँ पे जाना पड़ेगा। ये है स्प्रिंग पुलर निकालने के लिए। तो अब हमने इसको स्प्रिंग पुलर को निकाल दिया शॉकर में से। तो अब ये पार्ट सेपरेट हो गए हैं, टेक ऑफ पार्ट्स। तो हमने ये पार्ट्स जो हैं वो निकाल दिए हैं। अब हमारे को जॉइंट पार्ट्स करने होंगे। ये हो गया फ्रंट स्प्रिंग का नया पार्ट और फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर कैप, जो उसके ऊपर कैप लगती है। और ये हमने अब उसको नए पार्ट्स को असेंबल कर दिया है। और अब हम इसके अंदर ये लेकर टेक ऑफ द पार्ट्स, अब ये हम इस कार के अंदर लगा देंगे। तो ओपन पाए मेनू, तो पार्ट माउंट करने के लिए अब हम इस पर क्लिक करेंगे। और गाइस हमने जल्दी से इसको स्क्रू कर दिया है और माउंट द स्वे बार लिंक, तो और इसके अंदर जो स्वे बार होती है वो भी हम लगा देंगे। ये करें हमने स्क्रू और फिर हमने लगाया व्हील। तो गाइस ये हो गया सस्पेंशन का काम। फिनिश ऑर्डर स्विच, ओपन पाई मेन्यू, पिक कार स्टेटस, ओपन पाई मेन्यू, कार स्टेटस, स्विच टैब, स्विच टैब टू ऑर्डर समरी, फिनिश ऑर्डर। गाइस अब हमने सॉरी और गाइस अब हमने गाड़ी इसको फिनिश कर दिया ऑर्डर। तो गाइस ये था ट्यूटोरियल। अब गाइस जल्दी से जाते हैं अब अपने हम उस पे कि मतलब हमारे को आगे अब इसके अंदर क्या करना होता है। अब इसके अंदर हमारे को मिशन देंगे, रियल वाले मिशन देंगे, वो हमारे को जल्दी से करना है। तो गाइस चलते हैं जल्दी से और अब बताते हैं कि इस गेम में करना क्या होता है। तो हमारे को जाना कहाँ है? अरे भाई ये कहाँ छोड़ दिया उन्होंने? अरे भाई बता तो दो क्या करना है। कोई एरो, कोई निशान, कोई सिग्नल कुछ भी नहीं आ रहा, मैं कहाँ जाऊँ? अच्छा तो गाइस क्या यहीं जाना था क्या? तो गाइज ये मैंने सर्च करा है ऑर्डर्स। अब गाइज ये हमारे पास में दो रिपेयर ऑर्डर्स हैं, जिसमें कि हम पहले ये उठाते हैं गाइज। तो गाइज ये फाइनली गाड़ी अंदर आ गई है और हमने गाइस ये गाड़ी को यहाँ पे खड़ा कर दिया है। तो गाइस अब इस गाड़ी के अंदर हमारे को देखना था कि क्या प्रॉब्लम है। एग्जामिन मोड, तो गाइस ये एग्जामिनेशन मोड पे आए हैं। तो गाइस इसके अंदर हमारे को जो करना है वो करना है ये गाइस ब्रेक, और इसके अंदर आई गेस गाइस ये दो पार्ट है जो हमारे को रिप्लेस करने हैं नए पार्ट के साथ में।
तो गाइस इसके अंदर हमारे को ब्रेक प्रॉब्लम्स, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, हमारे को ब्रेक ठीक करनी है इसके अंदर। तो करते हैं गाइस इसको जल्दी से, इसका ब्रेक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो गाइस जैसे कि ट्यूटोरियल में सिखाया था, इसको हम जल्दी से जो है ऊपर कर देते हैं गाड़ी को। और देखते हैं गाइस गियर वाले मोड को इसके अंदर। अब हम गाइस इसको फटाफट से जो है खोलते हैं टायर को। गाइस फटाफट से करें हमने अनस्क्रू इसको। ओ गाइस ये वाला जो नट है इसमें तो जर लगा हुआ है। तो गाइस अब इसको करने के लिए क्या करें, तो गाइस हमारे को लगता है कोई स्पेशल टूल लाना पड़ेगा इसको निकालने के लिए। तो गाइस अब हमारे को क्या करना होगा, इंटीरियर डिटेलिंग टूल बॉक्स। तो भाई ट्यूटोरियल में गाइस ये तो बताया ही नहीं कि हमारे को इसको निकालने के लिए कैसे कैसे करना होगा। तो गाइस ये अच्छा ये ऑयल आ गया गाइस। गाइस ये है ब्रेक की हालत। इनको करेगा इस अनस्क्रू। और गाइस ये हमने निकाला ब्रेक पैड। तो गाइस अब हमारे को जो है हार्ट माउंट। तो गाइस हमारे को लगता है शॉपिंग करनी पड़ेगी पार्ट के लिए। तो गाइस पार्ट्स हमारे को ऑर्डर करने पड़ेंगे अब इन्वेंटरी इन ब्रोस। नहीं सेल नहीं करना इसको, ऑर्डर्स ऑप्शन में ना। गाइस हमारे को पार्ट कहाँ से ऑर्डर करना है, इन्वेंटरी भाई कहाँ से आएगा। तो गाइस ये हमारे को पार्ट्स मंगाने पड़ेंगे, कार पार्ट्स, ब्रेक पैड, ब्रेक पैड। तो गाइस हम जल्दी से यहाँ पे टाइप कर देते हैं। ब्रेक पैड गाइस जाते हैं ब्रेक पैड में। और गाइस ये रहा ब्रेक पैड। तो गाइस हमारे को टोटल दो ऑर्डर करने पड़ेंगे क्योंकि दो ब्रेक पैड ख़राब है। तो गाइस हमने फटाफट से दो ब्रेक पैड हमने ले लिए हैं। अब गाइस हम फटाफट से जाते हैं, तो गाइस बहुत ही ज़्यादा फन है। तो गाइस हम इसमें जाते हैं वापस से और गाइस करते हैं पार्ट माउंट, पार्ट माउंट मोड पे। गाइस अब हमने ब्रेक पैड्स पे क्लिक करा। तो गाइस
ये हमारे पास में दो नए ब्रेक पैड हैं, तो गाइज हमने ये ब्रेक पैड लगा दिया है इसके अंदर। और गाइज अब हम लगाएंगे ब्रेक कैलिपर, और गाइज ये हमने करा इसको स्क्रू। और ये लगाया गाइज हमने इसके अंदर नट्स, अधि उत्तम अधि उत्तम गाइज, मजा आ गया मजा आ गया। अब गाइज हमने और इसका ब्रेक पैड यहाँ पे भी दूसरा लगाना है, जाते हैं एग्जामिन मोड। अरे नहीं 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 एग्जामिन मोड पे गए। अब गाइज ब्रेक पैड यहाँ का भी खराब है, वो मुझे लगता है गाइस दोनों का तीन तीन ब्रेक पैड लगेंगे इसके अंदर आई गैस। तो गाइस तीन ब्रेक पैड लगेंगे, मैंने सिर्फ दो ही लिए। करते हैं जल्दी से अनस्क्रू। गज 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 गज। अरे वाह क्या गाइस, ऐसे मशीन होनी चाहिए टायर अनस्क्रू और स्क्रू करने स्क्रू अप करने के लिए, तो मज़ा ही आ जाए। अब गाइस निकालते हैं ब्रेक कैलिपर। ये लगा गाइस ऑयल और ये भी निकला। और गाइस ये निकाले ब्रेक पैड, और अब जाते हैं माउंट मोड पे, लगाते हैं ब्रेक पैड नया। गाइस ये लग गए दोनों ब्रेक पैड, और गाइस अब लगाएंगे टायर और रिम। तो गाइस ये हो गया हमारा कंप्लीट। और गाइस अब जो है हमारे को इसका चेक करना है, तो गाइस जल्दी से देखते हैं इसके अंदर। गाइस अब इसका एग्जामिन करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन मोड। तो गाइस आई गेस एक बार गाइस चेक ऑर्डर स्टेटस करके देखते हैं। ब्रेक पैड्स, ब्रेक डिस्क गाइस, ये तो हमारे को इसके अंदर ब्रेक कैलिपर भी डालने थे गाइस, ब्रेक पैड्स, तीन ब्रेक कैलिपर और ब्रेक डिस्क पैड, ब्रेक डिस्क, ब्रेक ब्रेक पैड्स। तो गाइस ये तो हमारे को इसको बहुत सारा काम करना था गाइस। गाइज आई थिंक सो मेरे को फिर से करना पड़ेगा गाइज ये तो सारा। करते हैं गाइज इसको एग्जामिन। इसके अंदर हमारे को और भी काम करना था, वो मुझे पता नहीं चल पाया। तो अब गाइस फटाफट से एग्जामिन करते हैं इसके अंदर जो है ब्रेक कैलिबर और वो सब भी करने थे गाइस।
ब्रेक लिस्ट प्रोवाइडेड, ब्रेक प्रॉब्लम। तो गाइस एक दो तीन ब्रेक कर लेंगे और दो ब्रेक पैड एक कराएगा नंबर के। कौन सी जगह का करना है ब्रेक पैड ये नहीं पा रहा है। गाइस ये है ब्रेक पैड का एक ऑप्शन, इसके अंदर ये वाला ब्रेक पैड लाल दिख रहा है गाइस। वाइज ये एक बार ये ट्राई करते हैं, ये हुआ नहीं हुआ। अरे भाई क्या चाहता है भाई आप। आई गेस गाइस अब तो कर दिया है, अब तो हो गया है, एक एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया हमारा। अब गाइस इसको चेक करते हैं फटाफट से। तो गाइस ये हमने निकाला है इसके अंदर, अब चेक करते हैं ब्रेक डिस्क वेंटिलेटेड। तो गाइस हमारे को जॉब जो जो करनी थी वो एक बार देखते हैं। ब्रेक पैड, ब्रेक पैड, ब्रेक डिस्क। गाइस हम ले ही लेते हैं सारा सामान यहाँ से कंप्यूटर में से। ब्रेक डिस्क मिनट, तीन ब्रेक कैलिबर और एक ब्रेक डिस्क और एक ब्रेक पैड। तीन ब्रेक कैलिबर, एक ब्रेक डिस्क, चेक करते हैं अपनी मंटी में। तो गाइस एक ब्रेक पैड लेना है हमारे को, एक लिया गाइस ब्रेक, एक लिया ब्रेक पैड, और तीन थे ब्रेक डिस्क, ये था ना ब्रेक डिस्क। ओहो ब्रेक कैलिबर लेने थे, ब्रेक डिस्क ले लिया, तीन ब्रेक कैलिबर लेने थे। तो गाइस ब्रेक कैलिबर लेने थे, ब्रेक कैलिबर सिलेंडर नहीं लेने थे, तो ये हमने लिया है गाइस। अब हम फटाफट से जाते हैं इसके अंदर।
खोलते हैं इसको जल्दी से। इसमें गाइस अगर एक पार्ट की भी गलती हो जाए तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है, आपको पूरा से दोबारा से खोलना पड़ेगा, तो इसको एग्जामिन करना पड़ता है। ब्रेक कैलिवर गाइस, इसके अंदर लगेगा ब्रेक कैलिवर। गाइस ये हमने लगाया इसमें नया ब्रेक कैलिबर और ये करा फिट। गाइस बड़े ध्यान से देखना पड़ता है इसमें, कार स्टेटस में ब्रेक डिस्क। गाइस मुझे लग रहा है फिर कुछ मिसिंग रह गया। गाइस आई गेस ब्रेक डिस्क इसकी चेंज होगी। गाइस ब्रेक डिस्क इसकी थी, आप देख रहे हैं ना ये रेड पार्ट है। ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेट, बहुत ही ज़्यादा, इसमें तो गाइस गलती नहीं हो सकती। लो गाइस ब्रेक डिस्क इसी की ख़राब है, देखिए गाइस ये देखो ये वाले टायर की ख़राब है गाइस ब्रेक डिस्क। तो गाइस अब हमारे को इसको दोबारा से खोलना पड़ेगा। खोलना पड़ेगा गाइस इसकी ब्रेक डिस्क खराब है। इसकी भी खराब नहीं है ब्रेक डिस्क, अरे भाई साहब तो किसकी खराब है ब्रेक डिस्क? इसकी चेक करते हैं। इसकी भी ठीक है ब्रेक डिस्क। तो गाइस इसकी थी ब्रेक डिस्क जो ख़राब थी। पहला पहला लेवल है ना गाइस, इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है। तो गाइस अब हमने ब्रेक डिस्क शायद ख़रीदी थी, हमारे को देखना पड़ेगा। हाँ गाइस हमने 3 ब्रेक डिस्क खरीदी थी। तो अब गाइस फटाफट से इंस्टॉल करते हैं सारा नया सामान। फटाफट से एग्जामिन करते हैं गाइस गाड़ी, कार स्टेटस चेक कर लेते हैं। ब्रेक पैड अभी भी गाइस एक का जो ब्रेक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है गाइस।
ब्रेक का लीवर और ब्रेक पैड। ब्रेक का लीवर किसका रह गया यार? इसका तो नहीं रह गया कहीं। ब्रेक कैलिबर और ब्रेक पैड लगना बाकी रह गया गाइस। ये भी नया है। फिर आ गया तो गाइस इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है गाइस। अरे तो फिर ये वो जब ग्रीन में दिखा रहे तो क्यों ऐसा हो रहा है यार? ब्रेक कैलिबर, किसका ब्रेक कैलिबर खराब है भाई? इसका ब्रेक कैलिबर नया है। तो गाइस आई गेस यही हमारे को लगता है नया ही लगाना पड़ेगा पूरा ब्रेक कैलिबर। अब गाइस आई गेस वो डन आ जाएगा। कर रह गया ब्रेक कैलिबर यार। अच्छा गाइस इसमें हमारे को नया ब्रेक कैलिबर लगाना होगा और ये हमने लगा दिया है। तो गाइस फाइनली हमने एक गाड़ी डन कर दी है। बहुत मेहनत लगती है गाइस इसके अंदर। कार स्टेटस, तो गाइस हमने सब कुछ फिक्स कर दिया है और बाकियों का भी टायर लगा देते हैं जल्दी से गाइस। तो गाइज ये पूरी गाड़ी हम हमने कंप्लीट कर दी है। अब देखते हैं गाइज इसके अंदर कोई टेस्ट ड्राइव की ऑप्शन है क्या।
तो गाइज हमने ऑर्डर फिनिश कर दिया है और गाइज हमने पैसे कमाए हैं इसके अंदर। और गाइज अब जाते हैं दूसरे ऑर्डर पे। तो गाइज मैं अभी मैं इस कार का वीडियो जो है गाइज मैं बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस मैंने अभी आपको एक डेमो दी, तो गाइस इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और गाइस प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकन आल्सो। तो गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो गाइस इस वाली कार की बनाऊंगा। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो गाइस आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइस। थैंक यू सो मच।